तुमसे गैरतमंद तो फजर निकली। अरे जान दे दी उसने, अपनी जान दे दी। एक बार मेरी बेल पक्की हो जाए। योर ऑनर, मुल्ज़िम जफर ने अपनी बीवी की गैर अखलाकी वीडियोस बनाई और इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू। मिस्टर इफ्तिखार, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नो योर ऑनर, जिस विटनेस का नाम विटनेस लिस्ट पे ही नहीं था उससे मैं क्या ही सवाल पूछूंगा। और वैसे भी जो कुछ भी इन्होंने कहा है उसकी वजह तो यही है कि मेरे मोकल के साथ इनकी ज़ाती दावत। ना तो लैपटॉप से कुछ रिकवर हुआ है ना ही फोन से, इसलिए मेरी अदालत से यही गुजारिश है कि इनकी गवाही तस्लीम ना की। मिस एमन, अब आप जा सकते हो। मेरी बच्ची बुशरा, मेरी बुशरा, बुशरा मेरी बेटी बुशरा, तुम्हें गवाही चाहिए थी ना, गवाही गवाही ले लो, ले लो इस मरी हुई बुशरा से गवाही, लो गवाही लो। मैंने कितना कहा कि मेरी बच्ची जो है मौत के मुंह से वापस आई है, लेकिन तुमने बुशरा मेरी बच्ची बुशरा बुशरा मेरी बच्ची बुशरा योर ऑनर, अभी जिन डॉक्टर साहिबा को मेरी फाजिल कॉलीग ने पेश किया उनका कहना था कि मरहुमा फजर को जो दिमागी प्रॉब्लम थी वो पाकिस्तान की 40% आबादी में पाई जाती, इसलिए उन्हें जहनी मरीजा कहना दुरुस्त नहीं हो। मेरा ख्याल है वो गलत कह रहे थे और इस बात की गवाही कोर्ट में खड़ा ये नौजवान मर्द देगा। ये नौजवान फजर का चचाजात भाई है, एक उम्र उनके साथ गुजारी। ये कोई मन घरत अफसाना बयान नहीं करेगा जैसे मेरी मोकल की एक्स वाइफ करके, बल्कि हकीकत बयान करें जिसके लिए आप किसी भी फैमिली मेंबर को यहाँ पे बुला सकते हैं, सब यही मौजूद हैं। जी बस आप अदालत को वो सब कुछ बताइए जो आप फजर के बारे में बता सकते हैं, उसका किरदार कैसा था, उसकी दिमागी हालत, और जब वो ज़हनी तौर पर ठीक होती थी तो कैसे आपसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, बताइए सब बताइए। फजर का उसका किरदार कहिए कहिए, घबराने की कोई बात नहीं कह सकता। सॉरी, जो झूठ आप लोगों ने मुझे सिखाया वो मैं नहीं बोल सकता। योर ऑनर, मेरे विटनेस की तबीयत शायद ठीक नहीं है, हम दोबारा इन्हें बाद में पेश करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ और मैं होशोहवास में हूँ और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। योर ऑनर, ही इज नॉट इन हिज सेंसेस। आई एम इन माय सेंसेस। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मिस्टर इफ्तिखार, आप जाके अपनी जगह पर बैठिए और विटनेस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाने दीजिए। जाइए।
जी वैसाम, आप बयान दीजिए। फजर पागल नहीं थी, ना ही उसे कोई दिमागी मसला था। मसला हम सब में था, मसला मुझ में था। मुझे जब जब मौका मिलता मैं उसे डराता। इतना डरती क्यों तुम मुझसे? मुझे जाने है। डर जाती वो मेरे बेटे होने से डर गई थी, वो मेरे मर्द होने से डर गई थी। ऐसा मौका नहीं था जो मैंने छोड़ा हो। आपको पता है बचपन में जब हम साथ खेलते थे ना और मैं उसे तंग करता था तो सब बहुत खुश होते थे, लेकिन अगर वो कोई शरारत कर देती थी या कुछ कह देती थी तो आप सब उसी को डांटते थे। वो उससे और डर गई थी। उसकी डर ने उसे मार दिया। ये इसने जो किया मैं भी वही करना चाहता था। कोई मौका नहीं छोड़ा। जब जब जो मौका मुझे जब जब मौका मिला मैंने कोशिश की और वो चीखी, उसने आपको आके बताया। मेरे खड़ा हो जाता है, कहता है कि मुझसे अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन आप सबने मुझे सही साबित कर दिया हमेशा हमेशा। और मैं इतना सही था कि मैं गलत होके भी सही रहा। और वो बहुत मासूम थी बचपन में, बड़े होते ही बिगाड़ दिया था ना तुमने। याद है बचपन में हम लोग खेला करते थे? छोड़ो, वो इतनी गलत थी, वो इतनी गलत थी कि वो सही हो के भी गलत है। I'm sorry, मुझे माफ कर दे। मैंने किडनी निकली है ना तो शायद यही मेरी सजा थी और मैं डिजर्व भी यही करता हूँ। और फिर मुझे पता चला कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि फजर बिल्कुल बेकसूर थी। मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। मुझे
अदालत की कार्रवाई आधे घंटे के बाद दोबारा शुरू की जाएगी। बक नहीं सकते थे कि तुम्हारी एक बीवी है जो तुम्हारे सारे कारनामे जानती। मुझे नहीं अंदाजा था कि वो आ जाएगी, लेकिन परेशान मत हो, उसको मेरे बारे में कुछ भी नहीं, उसके पास कोई सबूत नहीं है। मुझे मत बताओ उसके पास क्या है क्या नहीं है, जो करना है मुझे ही करना है। तुम रोब क्यों झाड़ रहे हो मुझ पे? मिस्टर जफर, तुम्हारी फांसी और आजादी के बीच में सिर्फ मैं खड़ा हूं। तुम मुफ्त में नहीं खड़े हो, तुम मुझे पैसे चार्ज कर रहे हो। तुम जानते हो ना मैंने क्या किया, तो क्यों लिया तुमने मेरा केस? अपनी मशहूरी के लिए लिया है ना? अब जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। नो मोर सीक्रेट्स प्लीज। मिस रुबाब, आपकी एक विटनेस मिस मुश्रा अभी तक नहीं आई। नो योर ऑनर, एक्चुअली बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि थोड़ी देर पहले उनकी डेथ हो चुकी है। मैं अदालत से गुजारिश करना चाहूंगी कि हमें मजीद वक्त दरकार है। मैं इस केस के हवाले से एक नहायत ही अहम गवाह को पेश करना चाहूंगी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहिबा, अदालत का वक्त जाया कर रही हैं, फिर से कितनी और तारीखें लेंगे? माना कि हम मरहूमा फजर को ज़हनी तौर पे माजूर नहीं साबित कर सके, लेकिन एक सवालिया निशान तो कायम। अब अगर उनको अपने ही घर में कोई लड़का हरासा करता है तो इसमें मेरे मुक्कल का क्या ताल्लुक है? मेरी अदालत से फिर से यही गुजारिश है कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए और मेरे मुक्कल को बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस रुबाब, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, अदालत अब अपना फैसला सुनाएगी। योर ऑनर, प्लीज हमें एक और तारीख दे दें, और अगर आप तारीख नहीं दे सकती तो एटलीस्ट गिव अस फ्यू आवर्स प्लीज। ताखिर की कोई वजह नहीं है, अदालत आपको सुन चुकी है, अब आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। योर ऑनर, मेरे विटनेस आ चुके हैं। कौन से विटनेस? मेरी विटनेस। योर ऑनर, मेरे विटनेस आ चुके हैं। कौन से विटनेस? मेरी विटनेस मिस फजर। मिस फजर तो मर चुकी थी ना? योर ऑनर, मिस फजर अभी जिंदा हैं और आपके सामने खड़ी हैं, और ये सब मैंने किया है। नौकरी से सस्पेंड तो मैं हो चुका हूं,
आप चाहे तो फैसले में मुझे सर्विस से डिसमिस भी कर सकती हैं, मगर जफर जैसे वैशी दरिंदे को उसके बिल से निकालने के लिए ये सब करना जरूरी था। योर ऑनर, ये अदालत चल रही है या सर्कस? जिस औरत को मरा हुआ साबित करके ये पूरा केस बनाया गया, अब उसी औरत को जिंदा करके पेश कर दिया, ये हो क्या रहा है? सर्कस। योर ऑनर, इस जैसे दरिंदे 4 साल की बच्ची से लेकर 2 बच्चों की मां को उनके अपनों के सामने ज्यादती का निशाना बनाते हैं, और फिर भी किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। ये केस भी बगैर मीडिया स्क्रूटनी और पब्लिक प्रेशर के सर खाने की नजर ही हो जाता। हमने जो तरीका अपनाया वो गलत था, और उसकी सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी आपसे इल्तजा है, आप मुझे सजा दीजिए। मगर फजर और उसके जैसी कई लड़कियां आज आपसे आस लगाए बैठी। आप एक बात प्लीज उनकी सुन लें। नो योर ऑनर, अदालत की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, आप फैसला लिखवा रही थी, अब किसी का बयान नहीं रिकॉर्ड होगा। मिस्टर इफ्तिखार, अब आप अदालत को बताएंगे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस फजर, आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाइए। मेरा नाम फजर एहतिशाम है। मैं जफर के ट्यूशन सेंटर में पढ़ती थी। कुछ अरसे बाद इसने एक्स्ट्रा क्लास के बहाने मुझे ट्यूशन सेंटर बुलवाया। और तुम्हारे जाने के बाद मैंने सर से तुम्हारी बात की थी, वो काफी फिक्रमंद हो गए थे तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा है कि कल से वो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देंगे। मेरी वीडियोस बनाई और ब्लैकमेल करने लगा। प्लीज बैठो, जिस तरह ये है तो किसी का बेडरूम। थोड़ी देर में से घर छोड़ा मैं। सर, मेरी वीडियो जल्दी के हो जाएगी रिलीज। मुझे लगा कि मेरा कसूर है, मैं बहुत डर गई थी। अंदर ही अंदर मैं बहुत घुटने लगी। मेरा मैं खुद को कुछ कर दूंगी। मैं तो दूर हो जाऊं। क्या कुछ अरसे बाद जब अम्मी को पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। और क्या, चुप रहो, ये बात कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे गला घोट दूंगी। अगर विश्राम को कुछ हुआ तो इसे तुम्हारी खा लेना, नोच डालूंगी मैं। चुप करो, इसको भी चुप करो, बंद करो इसकी आवाज और अपनी जबान भी बंद रखो, बिल्कुल बंद।
चुप करो इसको, इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। तो मैं मरना चाहती थी, ये कोशिश भी की मैंने, लेकिन लूट बचा लेती थी। पागल हो गई हो? ना मैं मर सकी और ना मम्मी मेरा गला दबा सकी, तो जल्द से जल्द मेरी शादी करवा दी। बाबा तो घर में कभी बात ही नहीं करते थे, लेकिन अम्मी ने सब समझा दिया था कि चुप रहना, सास का ख्याल रखना, मशीन की तरह काम करना, और अगर किसी को पता चल जाए ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो खामोशी से खुद को मार देना। सॉरी। मिस फजर, टेक योर टाइम। किस्मत को मुझ पे तरस आ गया ना, मेरी शादी साइंस से हो गई। दरिंदों की दुनिया में फरिश्ते भी होते हैं। इतनी मोहब्बत देखी मैंने कि मुझे डर लगता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना मैं जिंदगी की तरफ लौट कर आ रही थी। लेकिन फिर से जबर आ गया और उसने वो सब करने की कोशिश की जो वो पहले कर चुका था। हमें हमेशा चुप करवाया जाता है, हर लड़की से कहा जाता है कि चुप करो, क्योंकि हमें इंसान नहीं समझा जाता, एक मांस का टुकड़ा समझा जाता है, ठंडा गोश समझा जाता है। लेकिन मुझे इस बात का डर था कि मैं साइंस से कैसे नजरें मिलाऊंगी, मैं क्या कहूंगी कि मैंने क्यों उनसे सच छुपाया। मैंने वही किया जो हर लड़की करती जिसे ये ब्लैकमेल करता। मैंने मैंने कुछ नहीं किया, मैं फिर भी चुप रही, मैंने एक लफ्ज नहीं बोला, मैंने मैंने कुछ नहीं किया है। मिस फजर, रिलैक्स। योर ऑनर, ये बुशरा का मोबाइल फोन है जिसमें वो सारे मैसेजेस और वीडियोस मौजूद हैं जो मुलजिम जफर ने मिस फजर को ब्लैकमेल करने के लिए किए थे।
मिस्टर इफ्तिखार, इन तमाम सबूतों को देखने के बाद आपके पास अब पूछने के लिए कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको इजाज़त देती हूँ, अगर आप गवाह से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नो योर ऑनर। अदालत 3 बजे केस का फैसला सुनाएगी। ह्यूमन राइट्स आर वीमेन राइट्स। जो इंसानों के हकूक़ हैं वही औरतों के हकूक़ हैं, और ये हकूक़ उन्हें किसी से मांगने नहीं हैं, बल्कि वो अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा होती हैं, लेकिन पैदा होते ही ये हकूक़ उनसे छीन लिए जाते हैं। एक औरत इस माशरे में कभी गैरत की सूली पर चढ़ती है, कभी हविस की आग में जलती है, और कभी किसी और के गुनाह को छुपाने के लिए अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीती है, और कभी इस घुटन से बेजार आकर जिंदगी की बाजी हार जाती है। तमाम तर सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुलजिम जफर अहमद को फजर के केस में मुजरिम करार देते हुए पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के सेक्शन 360, सेक्शन 384, सेक्शन 376 और सेक्शन 509 के तहत उम्र कैद और 50,00,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। और यह अदालत ऑफिसर नासिर को उनके ओहदे पर बहाल करती है। नाजीन आप देख रहे हैं, ये पुलिस वाले बाहर आ रहे हैं। आप सर बताना चाहेंगे, आप ये आपको शर्म नहीं है? आप ये बताना चाहेंगे सर, मुजरिम करार देते हुए नहीं नहीं सर, कोई जवाब देना चाहेंगे सर, कोई जवाब करेंगे। अदालत ने जफर अहमद केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने जफर अहमद को फजर के केस में मुजरिम करार देते हुए पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 366, 509 और सेक्शन 376 के तहत उम्र कैद के साथ 50,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। आपको फिर एक बार बताएंगे, अदालत ने जफर अहमद केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने जफर अहमद को शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। सारी जिंदगी तुम फजर को ब्लैकमेल करते रहे, और मैं तुम्हारा साथ देती रही ये सोचकर कि वो पागल है। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो गए। पापा आपको क्या लगता है, इस जानवर के साथ आपकी बेटी इस घर में महफूज है? ये तो वो जानवर है कि भूख लगने पे ये फर्क भी भूल जाए कि सामने क्या है।
इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है अब कि मैं इस घर में इस जानवर के साथ नहीं रहूंगी। मैं हॉस्टल जा रही हूँ और अब मैं वहीं रहूंगी। बेटा, मतलब प्लीज पापा। फायका, फायका बेटा, बेटा बेटा आप कहाँ हो गए? अरे अम्मा नहीं, ये अम्मा मुझे जिस मकसद के लिए आज चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया है, आप में से कई लड़कियां वो शायद बात ना समझ सके, लेकिन आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम की बातें यही है। हमें बचपन से सिखाया जाता है लड़कियां चुप रहती हैं, ज्यादा सवाल नहीं करती, खामोश रहती हैं। शादी के बाद बच्चे, शौहर, ससुराल, यही हमारी जिंदगी, इनकी खुशी में हमारी खुशी है। ना अपनी कोई ख्वाहिश ना जिंदगी। अच्छी औरत वही है जो दूसरों को अच्छी लगे, और दूसरों को आप तब अच्छी लगेंगी जब चुप रहेंगी, अंदर ही अंदर बर्दाश्त करते करते मर जाएंगी। नहीं रहना हमें चुप, दीवार नहीं है हम, सवाल करने हैं, हर अगर मगर को समझना है। हमारी जिंदगी का फैसला कोई हमसे पूछे बगैर नहीं ले सकता, और अगर कभी कोई गलत कदम आपकी तरफ बढ़ाए तो उसे वहीं रोक देना है। आपकी जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी तरफ कोई गंदी नजर से देख रहा हो, या आपको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा हो, या ब्लैकमेल कर रहा हो, तो आपने चुप नहीं रहना, आवाज उठानी है, अपने लिए, अपने इर्द गिर्द एक नूर को तलाश करना है। वो नूर आपकी जिंदगी का सहारा होगा, जीने की उम्मीद और अंधेरे का उजाला हो। आखिर अब हम मुस्कुराएंगे, आखिर अब हम हर गलत को सही करके दिखाएंगे। आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, आखिर कब तक? हाजरा, सना, आमना, मरियम, अलीजे, जो भी तुम्हारा नाम हो, मैं तुमसे मुखातिब हूं। किसी भी मर्द को यह हक नहीं कि तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे करीब आए, तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हें हाथ लगाए, तुम्हें हरासा करे। आजाद रहना, घूमना फिरना, मिलना झुलना, ये तुम्हारा हक है, और ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर तुम्हें कभी एहसास हो, अगर तुम्हारी छठी हिस तुम्हें कभी बताए कि कोई मर्द तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, अपनी हदें पार करने की कोशिश कर रहा है, तो आवाज उठाओ, चुप मत रहो। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आफत से और बुरे मर्द के शर से बचाएंगे, और अगर
अगर तुम पे बुरा वक्त गुजर चुका है, अगर तुम ज्यादती का निशाना बन चुकी हो, तो याद रखो कसूर तुम्हारा नहीं, गुनहगार तुम नहीं, खतावार तुम नहीं। गुनहगार और खतावार तो वो है जिसने तुम पे जुल्म किया, और सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। खुद को सजा मत दो, तुम ही को तोड़ने होंगे सनम कदामत के, तुम ही को अब नया इंसान ढालना होगा, तुम ही को अब नया इंसान ढालना होगा। इजाजत ये मुझको जरा साया मैं तेरा बन के चलूं हर जगह।